हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस सिखाने जा रहा हूँ जो अक्सर आपको बीच में बोलने के लिए बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे आपको ऐसे सेंटेंस। जो भी आज तक हमने अभी तक पढ़ाए वो केवल बोलने के लिए ही नहीं है बल्कि आपको लिखने के लिए भी है, आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें दो शब्द एक साथ आते हैं, ऐसे मैंने पिछले बार बताए थे, वह रोते रोते आया, पढ़ते पढ़ते सो गई, उसमें दो दो शब्द आ रहे थे। और ये भी आपको बताया था, बारिश रुक रुक कर हो रही है, यानी एक सेंटेंस में दो वर्ड आते हैं। और जैसे उसे पानी वानी हो, ऐसे सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में आपको दिए थे। और आज ऐसे ही कुछ अलग तरीके के सेंटेंस लेकर आए हैं। जैसे आपको ये कहना हो, वह कब कब स्कूल जाता है, वह कब कब आपके घर आता है, ऐसे सेंटेंस कब कब। अगर हम केवल ये कहते हैं कब आता है तो एक सेंटेंस होता। अब हम आपको समय पूछना चाहते हैं, कब कब आता है, दिनों बताइए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आप कैसे लिखेंगे? इस कब कब की स्पेलिंग होती है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। अब आपको टेंस देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या टच का प्रयोग करेंगे, अगर फ्यूचर होता तो विल का प्रयोग करेंगे। यानी टेंस के अनुसार केवल ये हो गया हाउ ऑफन क्वेश्चन वर्ड कब कब, हाउ ऑफन डज ही कम, हाउ ऑफन डज ही कम टू योर होम एंड योर हाउस, वह कब कब आपके घर आता है, ऐसे दो बार शब्द आ रहे हैं कब कब। जैसे अब आपने बात की किसी से घर में पढ़ाने के लिए, तो आपसे पूछेगा कौन सा समय है, तो आप कहोगे हम स्कूल जाते हैं, आप खेलने जाते हैं। तो पूछेगा वो आपसे कि तुम कब कब ट्यूशन जाती हो, ये बताओ, यानी कौन कौन सा समय आपका ट्यूशन जाने का है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही है, आप कब 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 पढ़ने जाते हो, जाते हो, पुलिस कभी पूछ सकती है कि वह कब कब पढ़ने जाया करता था या जाता था, इस तरीके से था भी हो सकता है, वह कब कब पढ़ने, चलो हम टेंस बदल रहे, जाता था लिखते रहे, चलो चाहे, क्योंकि ऊपर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा था और इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, वह कब कब पढ़ने जाता था, तो कब कब की वही हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। अब ज्यादा था इसलिए डेढ़ हो गया, डेढ़ ही वो टू स्टडी, रील भी लिख सकते हैं आप, स्कूल भी लिख सकते हैं आप, जो चाहें लिख सकते हैं। अब कब कब की हमने बात बताई, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, हम ऐसा भी लिख दें, तुम कहाँ कहाँ जाते हो। अब कहाँ कहाँ, तो ये कहाँ की अंग्रेजी होगी, कहाँ कहाँ,
कब कब के लिए, हाउ ऑफन और कहाँ कहाँ के लिए, वेयर आर, वेयर आर। तो बनाएंगे इसको वेयर आर। अब अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। सेंटेंस जैसे हैं, देखिए कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या, दो दो वर्ड्स बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं। तुम्हें क्या क्या पसंद है, हमने यहाँ कहाँ कहाँ के लिए लिखा वेयर और क्या क्या के लिए लिखेंगे व्हाट आर, व्हाट आर डू यू लाइक, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम क्या क्या पसंद करते हो। इंटरेस्टिंग सेंटेंस हैं आपके लिए। आपके पास क्या क्या है, अगर ऐसा आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है, जैसे कोई अगर तैयारी कर रहे हो तो एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या है, क्या वहां लाना होगा, तो क्या आपके पास क्या क्या है, क्या क्या कहेंगे, व्हाट आर, व्हाट ऑल डू यू हैव, व्हाट ऑल हैव यू, वैसा भी हो सकता था, व्हाट ऑल हैव यू, व्हाट ऑल डू यू हैव, तुम क्या क्या रखते हो, यानी तुम्हारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, अगर कहीं घूमने गए हो, टैक्सी से बैठने बैठ रहे हो, तो टैक्सी वाला पूछेगा आपसे, इंग्लिश में पूछेगा तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, तो कैसे पूछेगा, कहाँ कहाँ, अभी अगर बताया कहाँ कहाँ, वेयर ऑल, तो वेयर ऑल, वेयर ऑल। टेस्ट देखते हैं, डू यू वांट टू गो, टेंस वैसे ही बनते हैं जैसे टेंस बनाए जाते हैं, केवल कहाँ कहाँ की अंग्रेजी वेयर ऑल, क्या क्या की अंग्रेजी व्हाट ऑल, कब कब की अंग्रेजी अलग हो गई हाउ ऑफन, इस तरीके के सेंटेंस हैं। कुछ सेंटेंस जो पहले बताए थे वो खुद मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा वह वाइल शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
ही केम पास्ट इंडेफिनिट का व्हाइल व्हाइल स्टॉप आई एन जी लगाते हैं ही केम व्हाइल स्टॉपिंग व्हाइल रुकते रुकते आया। ऐसे ही सेंटेंस सारे हम बता रहे हैं जिनमें डबल डबल शब्द आ रहा है। वह पढ़ते पढ़ते वह सोते सोते मर गया। सोते हुए ही मर अक्सर ऐसा होता है वह सोते सोते मर गया। तो ही वह मर गया ये बात राइट है। While sleeping, वह सोते सोते मर गया। he was died by sleeping. कुछ नहीं बनाओ। दो औरतें रोते रोते दरबार में आई। पिछला सेंटेंस आपने एक अनसीन में पढ़ा था, सोलोमन राजा था, उसके राज्य में दो औरतें एक बार रोते रोते आई थी और उसके एक एक औरत के हाथों में एक बच्चा था। वही सेंटेंस हमने लिख दिया, वे दो औरतें रोते रोते दरबार में आई। टू विमेन इंटू द कोर्ट व्हाइल बीपिंग व्हाइल बीपिंग टू वुमेन टू वीमेन केम व्हाइल बीपिंग इंटू द कोर्ट ऐसा भी लिख सकते थे और नहीं तो व्हाइल बीपिंग मैन शब्द हमारा बताने का है रोते रोते व्हाइल बीपिंग। ये आज का वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ये और ये सेंटेंस आपके लिए आप लोग नोट कर लीजिए और इनको सीख लीजिए। इंग्लिश बोलने में आपको बहुत सुविधा होगी और आपके ग्रामर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही, थैंक यू।